Hello guys, how are you? In today's lecture, we will discuss about the philosophy for the layman by the Bertrand Russell. You can call this essay as philosophy for the everyman. Layman means everyman, ठीक है, आम आदमी. इसकी हम थोड़ी सी समरी को जो है ना वो डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. कमिंग वीडियोस विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर रिगार्डिंग दिस एसे बाय बर्ट्रांड रसेल. सो लेट्स स्टार्ट आवर एसे. बर्ट्रांड रसेल एक्चुअली दिस रोट दिस एसे आर पब्लिश दिस एसे इन 1946 बाय बर्ट्रांड रसेल. और ये जो एसे है ना एक्चुअली हमें फ़लसफ़ा की नौयत के बारे में बताता है. ठीक है, हमें फ़लसफ़े के बारे में बताता है कि फ़लसफ़ा एक्चुअली है क्या, जिसमें जो है ना वो पुराने जो है ना वो कहता है कि जो पहले वक्त का जो फ़लसफ़ा था उसमें जो है ना आप फ़लसफ़े को सिर्फ साइंस से रिलेट करते हो. लेकिन क्योंकि जो है ना वो बर्ट्रांड रसेल एक फ़िलोसफ़र था, एक बेहतरीन इंसान था, वो कहता है कि नहीं, फ़लसफ़े की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है. फ़लसफ़ा आपकी आम ज़िंदगी में भी होता है. फ़लसफ़ा को सिर्फ आप एक साइंस की एजुकेशन तक जो है ना वो महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि फ़लसफ़ा को हर तरह की एजुकेशन में शामिल होना चाहिए. एक्चुअली हमें इस ऐसे में बर्ट्रांड रसेल फ़लसफ़ा की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि फ़लसफ़ा इज़ एक्चुअली इज़ अ लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज. ठीक है, विजडम का मोहब्बत है, नॉलेज से मोहब्बत है, वो असल में फ़लसफ़ा, इंसानियत से मोहब्बत है. ठीक है, या जो है ना ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उसके बारे में भी बताता है. ठीक है, बजाय इसके वो कहते हैं कि अगर एक तरह से जब इंसान ने ज़िंदगी स्टार्ट की है तो इंसान को जो है ना वो रहने के लिए चीज़ों की ज़रूरत थी, एनिमल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, प्लांट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, अर्थ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी. वो कहते हैं कि वो फ़लसफ़ा भी एक तरह से ठीक है, जिसमें इंसान ने ये सब कुछ सीखा है साइंस की बदौलत. लेकिन एक्चुअली जो है ना हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी गुजारने या हुकूमत करने का फ़लसफे पर सोचना चाहिए. लाइक कि दुनिया में कैसी हुकूमत होनी चाहिए, अगर हुकूमत से नीचे लेवल पर आ जाओ कि इंसान की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, उस फ़लसफे की जो है ना वो बर्ट्रांड रसेल बात करते हैं. लेमैन एक्चुअली कहा ही जो है ना वो आम आदमी को जाता है. तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. मैनकाइंड एवर सिंस देयर हैव बीन सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैव कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ द टू डिफरेंट काइंड. वो कहता है कि जब से इंसान आए तो इसको दो तरह के जो है ना वो मसाइल का जो है ना वो सामना हुआ. ठीक है, मैंने बिल्कुल ही समरी को भी शार्ट करके जो है ना इधर मेन पॉइंट्स को जो है ना वो इधर लिखे. ऑन द वन हैंड देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम ऑफ मस्टरिंग नेचुरल फोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज एंड द स्किल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टूल्स एंड द वेपन्स and to encourage nature in the production of the useful animals and the plants. ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान ने जो है ना अपने लिए टूल्स को पैदा करना था, वेपन्स को पैदा करना था. ठीक है, एनिमल्स को इस्तेमाल करना था, प्लांट्स अर्थ को इस्तेमाल करना था, पौधों को इस्तेमाल करना था, अपने लिए रात की जिंदगी गुजारनी थी, वो एक फलसफा. द प्रॉब्लम इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज डेल्ट विद द साइंस एंड द साइंटिफिक टेक्निक. वो कहते हैं कि ये जो इशू है ये काफ़ी हद तक जो है ना वो डेल्ट हो चुका है. ठीक है, बट देर इज अ सेकेंड प्रॉब्लम लेस प्रिसाइज बाई सम मिस्टेकनली रिगार्डेड एज अनइम्पॉर्टेंट. वो कहते हैं कि ये जो दूसरा प्रॉब्लम है इसको लोगों ने अनइम्पॉर्टेंट समझ लिया है गलत तौर पर. ठीक है, मिस्टेकनली, ठीक है, गलती से या ना चाहते हुए इस प्रॉब्लम को लोगों ने इग्नोर किया है, अनइम्पॉर्टेंट समझे, हालांकि ये उससे बड़ा मसला है. आई मीन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द बेस्ट यूटिलाइज आवर कमांड ओवर द फोर्सेज ऑफ द नेचर. दिस इंक्लूड सच बर्निंग इशूज एज डेमोक्रेसी वर्सेज डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म वर्सेज सोशलिज्म, इंटरनेशनल गवर्नमेंट वर्सेज इंटरनेशनल अनार्की. वो ठीक है, वो कहते हैं कि इस तरह की जो इश्यूज़ हैं जिसमें जमहूरियत होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, सरमायदाराना निज़ाम होना चाहिए या सोशलिज्म होना चाहिए, इंटरनेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए या इंटरनेशनल अनार्की, ये जो इश्यूज़ हैं या आम आदमी की जो ज़िंदगी की इश्यूज़ हैं जिसमें हुकूमतों के इश्यूज़ हैं, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के इश्यूज़ हैं, इसको सम हो, वो कहते हैं कि इसको इग्नोर जो है ना वो किया गया. ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम एंड फिलोसफी इन दिस सेंस इज वट मैन मस्ट एक्वायर इफ द न्यू पावर इन्वेंटेड बाई द टेक्नीशियंस एंड हैंडेड ओवर बाई दैम टू द वर्ल्डली बाई द ऑर्डनरी मैन एंड वोमैन आर नॉट टू द प्लंग मैन कंड पॉलिंग कैटलिस्ट. कहते हैं कि फिलोसफी का असल जो मकसद है वो क्या है जी, लव ऑफ विजडम है. ठीक है, फिलोसफी का जो नोयत है उसका लव ऑफ नॉलेज एंड लव ऑफ विजडम है. फिलोसफी हैज हैड फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट डेज टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. वो कहते हैं कि टू फोल्ड फिलोसफी है अपने अर्लीस्ट डेज थी, दो तरह की, विच बिलीव विच वर टू बी क्लोजली इंटर रिलेटेड, जो कि आपस में जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड. ऑन द वन हैंड इट एम्ड एट द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि एक तरह तो फिलोसफी का मकसद यह है कि आप दुनिया के स्ट्रक्चर को समझ सके. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट ट्राइड टू डिस्कवर एंड इनकलकेट द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लाइफ. इनकलकेट का मतलब है ज़ेन नशीन करना, किस चीज़ को आगे बढ़ाना, बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लाइफ को कैसे आप जिंदगी गुजार सकते हो बेहतरीन तरीके से. वो कहते हैं कि एक तो
ये वाला जो है ना वो तरीका है। लेकिन वो कहते हैं फिलोसफी इज दस बीन क्लोजली रिलेटेड टू द साइंस ऑन द वन हैंड एंड द रिलीजन ऑन द अदर हैंड। एक तरफ आप उसको साइंस से रिलेट करते हो, एक तरफ रिलीजन से रिलेट है। अनटिल द 18th सेंचुरी साइंस वॉज इंक्लूडेड इन वट वॉज कॉमनली कॉल्ड फिलोसफी। वो कहते हैं 18वीं सदी तक जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें उसमें फिलोसफी का जो है ना वो था, जिसमें बाद में फिर कार्ल मार्क्स और ये सारे आए, उन्होंने फिर फिलोसफी को जो है ना वो इधर डिफाइन करना शुरू किया कि जहाँ ना वो कैपिटलिज्म में सोशलिज्म में उन्होंने फिर बताना शुरू करा। बट सिंस द टाइम वर्ड फिलोसफी हैज़ बीन कन्फाइंड, वो कहते हैं कि उस वक्त से लेकर अब तक 18वीं सदी तक फिलोसफी का जो लफ्ज़ है उसको एक महदूद कर दिया गया था, कन्फाइंड कर दिया गया था ऑन इट्स थ्योरेटिकल साइड, ठीक है, टू वट इज मोर स्पेकुलेटिव एंड जनरल इन द टॉपिक्स विद साइंस डील्स। वो कहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल साइज पर, थ्योरेटिकल साइड पर जो है ना इसको जो है ना वो कर दिया गया था, इसको जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट साइड पर जो है ना वो नहीं किया गया था, फिलोसफी को जो है ना वो डिफाइन नहीं किया गया था, जिसमें पॉसिबल वेज ऑफ लिविंग को डिफाइन किया गया। दैट फिलोसफी द रसल रिगार्ड्स इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। वो कहते हैं कि जो जिस फिलोसफी की रसल बात करते हैं ना, वो ऐसा इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जरिया है या हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। फिलोसफी इन इट्स ओरिजिनल लव ऑफ विजडम एंड नॉलेज। वो कहते हैं कि असल में फिलोसफी आपकी आम जिंदगी से रिलेट है, ठीक है, जिसको आपकी हर तरह के एजुकेशन में शामिल होने चाहिए। सिर्फ साइंस की एजुकेशन में उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर तरह की जो एजुकेशन है उसमें फिलोसफी को शामिल होना चाहिए। रसल बिलीव्स दैट फिलोसफी कैन बी टॉट टू द लेम एंड रीडर्स विच विल असिस्ट देम टू थिंक मोर ऑब्जेक्टिवली अबाउट इमोटिव इश्यूज। कहते हैं कि जो फिलोसफी है रसल के मुताबिक, उसको हर आदमी ले मैन को जो है ना वो टार्ट करना चाहिए, टीच करना चाहिए, उसको जो है ना वो सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से वो मोर ऑब्जेक्टिवली सोचेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचेगा, ठीक है। अजीत वो कहते हैं कि कर्लाइल कंसीड्स दैट दिस इज ईजियर टू डू व्हेन वन इज नॉट फेस्ड विद अ स्ट्रेसफुल मॉरल डिलेमा और टू बर्डन ऑफ मेकिंग अ क्विक डिसीजन व्हाइल इन एन इमोशनल स्टेट। कर्लाइल इज अ सिटी इन इंग्लैंड। कंसीड का मतलब होता है मानते हैं, वो क्या मानते हैं कि ये उस वक्त तक ईजी होगा, दिस इज ईजियर टू डू, ये आसान होगा, व्हेन वन इज नॉट फेस्ड विद स्ट्रेसफुल मॉरल डिलेमा, जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा किस्म के जो है ना वो परेशानियां नहीं होंगी, या द बर्डन ऑफ मेकिंग अ क्विक डिसीजन, या ऐसा कोई बोझ नहीं होगा जिसमें उसको जल्दी जो है ना वो फैसले करने पड़े, वाले इन इमोशनल स्टेट, या वो किसी इमोशनल जो है ना वो स्टेट में होगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट फिलोसफी फॉर द ले मैन दैट कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़। एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट हैव नॉट सब्सक्राइब सो फार इन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।